हाय गाइस, इस वीडियो में हमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, दूसरा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो लेट अस बिगिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग कुछ भी नहीं है, कहता है कि जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फॉर्मूले निकाले थे ना, कुछ फॉर्मूले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इक्वेटोरियल प्लेन, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल प्लेन, एक था टॉर्क ऑन अ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड, दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले हमने निकाले थे, हम लोग ये चैप्टर वन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अगर आप उन फॉर्मूले में ये सारी रिप्लेसमेंट्स कर दोगे, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल लिख दो, 1/4πε0 को μ0/4π से रिप्लेस कर दो, तो आपको एक मैग्नेटिक डाइपोल के लिए वो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ ये स्टेटमेंट पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेज ड्यू टू अ बार मैग्नेट एक्ट सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है ना, अब एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है ना, कि ये ध्यान में रखना कि ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले हैं ये सारे भी लार्ज डिस्टेंसेस पे वैलिड होते हैं, है ना। तो सिमिलरली जो मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि एक बार मैग्नेट की वजह से एट लार्ज डिस्टेंस बहुत दूर उस बार मैग्नेट से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनते थे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है ना, आपको बस ये रिप्लेसमेंट करनी है। देखो ये है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्लेसमेंट कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की रिप्लेसमेंट कर दोगे मैग्नेटिक डाइपोल से, और 1/4πε0 को रिप्लेस कर दोगे μ0/4π से इन फॉर्मूले में, तो आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, वहां पे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी थी P, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी है M। ठीक है, यहां पे आर क्यूब डिपेंडेंस है, यहाँ पे भी आर क्यूब डिपेंडेंस है, 1/4πε0 की जगह हमने μ0/4π लिख दिया है। ठीक है ना, ये आपका आ गया फील्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, फील्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैसे ही फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल प्लेन का फॉर्मूला होता है ये, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो P को M से, 4πε0 को μ0/4π से, और बाकी सब सिमिलर रहेगा, तो फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल इन द एक्सियल प्लेन कितना होगा, μ0/2m/4πr³। ये याद रखना, डाइपोल में हमेशा आर क्यूब डिपेंडेंस होता है। ठीक है, वैसे ही टॉर्क, अब टॉर्क क्या है, इस अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है एक एक्सटर्नल फील्ड में, ऐसा फील्ड जो इस डाइपोल की वजह से नहीं बन रहा था, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, P क्रॉस E, है ना, तो आप P की जगह M लिख दो, E की जगह B लिख दो, ये देखो ना, E की जगह B और P की जगह M लिखना है, तो आपको टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल मिल जाएगा ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप लिख दो, अगर -P.E होती है तो वैसे ही -M.B बन जाएगी। आई होप ये डेरिवेशंस आपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में देखी होंगी, मैं दोबारा डिराइव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मूव ऑन करते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म पे। तो अगला टॉपिक है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इसमें हमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक गॉस लॉ होता था, वैसे ही एक मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ होगा, वो देखना है क्या होगा। तो आप पहले तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ क्या होता था। ठीक है ना, वो कहता था कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, वो होता है क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना।
मान लो आपकी ये कोई क्लोज सरफेस है, वहाँ पे ये प्लस क्यू वन चार्ज है, माइनस क्यू टू चार्ज है, प्लस क्यू थ्री चार्ज है, तो आप इन सबको ऐड करोगे, प्लस क्यू वन प्लस माइनस टाइम्स क्यू टू प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, है ना। ये होता है, सिंपल सी बात है। तो एक चीज़ है, अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंक होता है। कि मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू करेंगी, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके ख़त्म हो जाए या आके शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, है ना। इनका ना कोई स्टार्ट होता है ना कोई स्टॉप होता है, या फिर यूँ कह लो कि ना कोई सोर्स होता है ना कोई सिंक होता है, ठीक है ना, ना सोर्स ना सिंक। इसका मतलब क्या कि मान लो आपके पास ये एक क्लोज सरफेस थी, ठीक है ना, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू अगर कोई फ्लक्स की फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस के अंदर जाएगी तो वो वहाँ जाके ना रुक सकती है, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वो उसके अंदर भी ज़रूर आएगी, है ना। अगर कोई लाइन अंदर जा रही है तो वो उसके बाहर ज़रूर आएगी, और अगर कोई बाहर जा रही है तो वो उसके अंदर ज़रूर आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो क्लोज लूप बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्ट और स्टॉप होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टार्ट और स्टॉप नहीं होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है ना। इधर से जो फ्लक्स इस डायरेक्शन में अंदर को गया वही फ्लक्स इधर से बाहर निकल गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ यही कहता है कि जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वो होता है ज़ीरो। कोई फार्मूला नहीं लगाना, ये हमेशा वैलिड होगा, हमेशा एप्लीकेबल होगा कि एक क्लोज सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, उनका ना कोई सोर्स होता है ना कोई सिंक होता है, ठीक है ना। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है ना, वो एक मोनोपोल है, लेकिन मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। अब क्योंकि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हमें वो कोई सोर्स ना कोई सोर्स ना कोई सिंक मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। तो ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है।